हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं विनय कुमार गौतम आपको आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल निवेदन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में तरह तरह के पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है, पावर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जिन भाई नहीं देखा है, बस उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जाके उस वीडियो को देखें। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसी मशीन टू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मशीन टू, मशीन सेकंड मशीन शुरू करने जा रहे हैं। कारण बीटेक सिलेबस। यहाँ पे हम मशीन सेकंड है बीटेक सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, बीटेक सिलेबस के अनुसार उनके फर्स्ट जो चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रो प्लस मशीन। आज हमारा जो टॉपिक होगा सिंक्रोन मशीन के बारे में बताएंगे हम। जो अपने टॉपिक में कवर करेंगे आज केवल बेसिक, आज जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट यूट्यूब के पार्ट फर्स्ट के नाम पे मिलेगा। इसमें हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक। ठीक है, इसमें हम लोग बीटेक का सिलेबस कवर करेंगे, मशीन सेकंड है और उसके साथ सिलेबस के अनुसार सिंक्रोनस मशीन हम लोग का फर्स्ट है। ठीक है, मशीन हम जानते हैं, मशीन बेसिकली किसी भी मशीन हो, एसी हो चाहे डीसी, बेसिकली किस कोई मशीन हो, एसी हो चाहे डीसी, उसमें दो चीज होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेटर और सेकंड रोटर। ठीक है, स्टेटर किसी मशीन का स्टेटर वह पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, जिसमें वह स्थिर पार्ट होता है, हम कह सकते हैं ये स्थिर पार्ट है। और जो रोटर होता है वो रोटेशनल पार्ट होता है। क्या है? स्टैटिक पार्ट। और जो हमारा रोटर है वो किसी मशीन का रोटेशनल पार्ट होता है। कह सकते हैं हम अपनी नॉर्मल भाषा में कि भैया खड़ा रहा रन एक जगह पे और ये भैया घूमत रहा है। ठीक है, साफ साफ तक कोई बात नहीं। ठीक, फिर हम बात करते हैं स्टेटर। जो हमारा स्टेटर होता है इसमें हम लोग जो स्टेटर होता है इसमें हम लोग जनरली हम लोग जो चाहते क्या है, कोई भी मशीन बनाए तो हम लोग चाहते क्या है इसमें ऐसी बाइंडिंग रखा जाए, इसमें हम लोग ऐसी बाइंडिंग रखें जो ज्यादा खर्चीला ना, मतलब कहे कि मतलब हमारी यह साफ साफ सुना भैया, हमारे कहे के मतलब ये हो कि हाँ ऐसा बाइंडिंग रखा चाहती जो ने हमारी इफिशियंसी बढ़ा। ठीक है, इफिशियंसी बढ़े, इसमें हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि कोई मशीन बनाने वाला जो है वो जनरली प्रीफर करता है आर्मेचर बाइंडिंग। जो क्या प्रीफर करता है? आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, और रोटर में फील्ड बाइंडिंग। क्या प्रेफर करते हैं? फील्ड बाइंडिंग। हम अभी आपको बताएंगे क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम डीसी मशीन की बात करें, उसमें ऐसा नहीं है। अगर हम डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन की बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या था, उसमें ये था ना स्टेटर और रोटर। उसमें क्या था? उसमें स्टेटर पे क्या था? फील्ड बाइंडिंग था। लेकिन रोटर पे क्या था? आर्मेचर बाइंडिंग था। कौन सी बाइंडिंग थी? आर्मेचर बाइंडिंग। यहाँ पे हम आप लोग के डाउट क्लियर करा। ठीक है, ये हमारे एसी मशीन के बात हूँ, ये हमारे एसी की कोई नो एसी मशीन के बात हूँ करती। ठीक है, ये हमारे बात है एसी मशीन के। जो हमारा एसी मशीन होगा उमन स्टेटर में आर्मेचर बाइंडिंग रखी था जबकि रोटर में हम लोग फील्ड बाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, बात को समझिए भैया आप लोग। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एसी मशीन का हो तो हम इसमें स्टेटर में जो है वो स्टैटिक पार्ट होता है किसी मशीन का, लेकिन उसमें हम आर्मेचर बाइंडिंग को प्रीफर करते हैं। प्रीफर तो मतलब हम कहने के मेरा साफ साफ उद्देश्य है, मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी मशीन चाहे डीसी हो चाहे एसी, हम स्टेटर पार्ट में आर्मेचर बाइंडिंग रखे चाहे लेकिन बहुत उद्देश्य हो अगर हम बतावा आएगा नियम हो। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे अगर डीसी मशीन का तो हमारे स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग के रखी ला, जो बाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग रखते हैं और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, अगर हम डीसी मशीन की बात शुरू किए हैं तो स्टेटर में हम लोग रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं
लेकिन कोई भी मशीन हो, अगर एसी हो चाहे डीसी, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एसी होता है, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो भी एसी होता है। क्यों? अगर हम बात करें डीसी मशीन का रोटर, डीसी मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो भी एसी होता है, जो डीसी मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ईएमएफ वो भी एसी ही होता है कि नहीं। उसमें बस फर्क इतना है कि उसमें हम लोग कम्यूटेटर के माध्यम भाई यूज ऑफ कम्यूटेटर द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चेंज ऑफ करंट एसी टू डीसी, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, डीसी मशीन, दैट इज कॉल्ड डीसी मशीन। हम भी डीसी मशीन में जो हमारे ईएमएफ होता है वो भी एसी इंड्यूस होता है, साइनोसाइडल भी है उसमें भी होता है, लेकिन हम बाई यूज ऑफ कम्यूटेटर यूज करके उसको डीसी में चेंज करते हैं, इसीलिए वह डीसी मशीन कहलाता है, डीसी मशीन। ठीक है, ठीक। हम बताओ थी, हम अभी आपको ये बता रहे हैं क्यों हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पार्ट में रखते हैं, बस इसी पे हम फोकस कर रहे हैं। एक बार क्यों कहना चाहिए इस बात को, हम क्यों कह रहे हैं आप जब डिस्कस करते हैं आपसे। जो हमारा आर्मेचर, अच्छा हाँ, अब जो हमारा वाइंडिंग होता है आर्मेचर वाइंडिंग, सबसे पहली बात सुनो, आर्मेचर वाइंडिंग नहीं, अब फील्ड वाइंडिंग हम बात कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग हम बात कर रहे हैं। हम पहले कहें भैया कि हम एकदम शुद्ध हिंदी बोलेंगे आज, और एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे और बेसिक की बात करेंगे आज। तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका बेसिकली क्या कार्य होता है पता है किसी को? नहीं। जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका बेसिकली कार्य होता है टू प्रोड्यूस फ्लक्स, टू प्रोड्यूस फ्लक्स, या हम कह सकते हैं जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका काम होता है किसी मशीन में फ्लक्स को जनरेट करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेटर का, फिर बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अगर कोई पूछे साहब से कि फील्ड वाइंडिंग, तो हम कोई भी मशीन एवल यूज करेगा कि हमें प्रोड्यूस करे खोला, फ्लक्स जनरेट करे खोला, इस वजह से हम फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक। फिर हम बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग क्या बोला? तो भैया सुनना, आर्मेचर वाइंडिंग हमने कहला टू कैरी द करंट फ्रॉम द सोर्स। इसमें क्या है, अगर हम मोटर की बात करें, अगर हम इनकेस ऑफ मोटर की मोटर केस में बात करें, तो हमारा आर्मेचर क्या करता है आर्मेचर वाइंडिंग टू कैरी द करंट फ्रॉम द सोर्स। ठीक। अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग मोटर की बात करें, मोटर केस में चाहे एसी या डीसी, अगर हम मोटर की बात करें तो उसमें क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो मेन काम है उसका काम है टू कैरी करंट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से करंट को रिसीव करना। अगर हम बात करें जनरेटर, अगर हम जनरेटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, टू डिलीवर पावर फ्रॉम द लोड। ठीक, समझ गए ना आप लोग। अगर हम फील्ड वार्निंग, कोई मशीन होगा फील्ड वार्निंग की बात करें, तो वो जिम्मेदार बस उसके लिए, उसका काम क्या है, वो प्रोड्यूस प्लस को प्रोड्यूस करता है, रिलेटिव मोशन करा के प्लस को प्रोड्यूस करता है, कंडक्टर और रोटेशनल कंडक्टर और स्टैटिक कंडक्टर के बीच फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्मेचर वार्निंग की बात करें अगर हम बात करें मोटर की, तो मोटर का जो उसमें क्या है, टू कैरी द करंट फ्रॉम द लोड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स होता है उससे करंट लेने का जिम्मेदारी है, लेने का काम करता है, करंट लेता है। ठीक है। अगर हम बात करें जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका काम है टू डिलीवर द पावर करता है कहाँ, सोर्स को, लोड को। ठीक ठीक, ये हमारा बेसिक है। ठीक। हाँ, अगर हम आर्मेचर सिंक्रोनस मशीन की बात करें,
तो सिंक्रोनस मशीन हमारा एक एसी मशीन होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन कैसा मशीन है? एसी मशीन है, ठीक है। ठीक सिंह एसी मशीन है, इसमें हम बताएं आपको जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है और स्टेटर भी होता है, और जो हमारा रोटर वाइंडिंग होता है, रोटर होता है, उसमें फील्ड वाइंडिंग। फिर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग बात देखा, फिर हम बात करें जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है सिंक्रोनस मोटर में, वह आर्मेचर थ्री फेज आर वाई बी, उसमें थ्री फेज से अगर हम जनरेटर की बात करें तो उसमें थ्री फेज डिलीवर करता है, अगर मोटर की बात करें थ्री फेज ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और स्टेटर की बात करें, स्टेटर वाइंडिंग जो हमारा होता है वह एक्साइटेड डीसी से एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइटेड, ठीक है, डीसी करेंगे, ठीक। हम देख रहे हैं सिंक्रोनस मोटर में हमें आर्मेचर वाइंडिंग को अलग वोल्टेज से एक्साइट किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग को अलग से वोल्टेज से एक्साइट किया जाता है। इसी के कारण इसी दो वोल्टेज मतलब दो बार मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को देख रहे हैं तो थ्री फेज एसी थ्री फेज से और स्टेटर वाइंडिंग की बात और डीसी से एक्साइट किया जा रहा है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डबली एक्साइटेड मोटर, डबली एक्साइटेड मशीन, इसीलिए दैट इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड मशीन, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज डबली एक्साइटेड मशीन, ठीक। इसी का हम उनको डबली एक्साइटेड मशीन की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, फिर हम क्या बात करेंगे देखिए, जो हमारा स्टेटर पे वाइंडिंग होता है, वह हाई पावर की वाइंडिंग होती है, और जो रोटर वाइंडिंग होता है वह लो पावर वाइंडिंग होती है। हम क्यों कह रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे उसको। हमारा स्टेटर वाइंडिंग हाई पावर, और रोटर वाइंडिंग जो होता है वह लो पावर की होती है, लो पावर क्यों होती है इसको हम एडवांटेज में प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग होता है वो जनरली हमारा स्टेटर जो कोई भी वाइंडिंग हो हमारा जो स्टेटर पे होता है वो हाई पावर वाइंडिंग होती है, और जो रोटर होता है वो लो पावर वाइंडिंग होती है, ठीक है। फिर हम एडवांटेज की बात करेंगे, आपकी सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है, सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक। एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मशीन अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज फर्स्ट पॉइंट मोर इकोनॉमिकल। हम यहां मोर इकोनॉमिकल, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है मोर इकोनॉमिकल। हम मोर इकोनॉमिकल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी मोर इकोनॉमिकल काहे बदे और काहे ये मोर इकोनॉमिकल कम खर्चीला काहे बदे, ठीक। अगर हम यहाँ तो देखिए, अगर हम स्टेटर पे थ्री फेज स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग दे रहे हैं उसमें थ्री फेज आर वाई बी, स्टेटर जो है उसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग दे रहे हैं थ्री फेज आर वाई बी, और डीसी पे डीसी और रोटर पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दो वायर होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा ना, अगर दो वायर हैं अगर हम देखे थे डीसी मशीन में, हम देखे थे अगर दो वायर है तो स्लिप कितना चाहिए था, स्लिप दो स्लिप की आवश्यकता पड़ रही थी। अगर कहीं तीन वायर होता तो कितनी स्लिप की आवश्यकता पड़ती, तीन पड़ती कि नहीं, आर वाई बी, एक आर पे एक वाई पे एक बी पे तीन स्लिप की आवश्यकता पड़ती कि नहीं। अगर हम अगर यही अगर आर्मेचर को हम स्टेटर रखते
आर्मेचर को अगर हम रोटर पर रखते, आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम रोटर पर रखते तो उसमें क्या होता, उसमें यही होता कि उसमें स्लिप रिंग का खर्च बढ़ जाता। जैसे अभी अभी हम रोटर पर रख रहे हैं, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग रख रहे हैं, तो उसमें दो ही वायर है, दो ही वायर तो क्या हुआ, खर्च कम हुआ, एक स्लिप रिंग की बचत हुई। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मोर इकोनॉमिकल, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, यहाँ पे जबकि हमें अगर तीन वायर, तीन स्लिप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आर्मेचर को स्टेटर वाइंडिंग पे रखे हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखे हैं, तो हमारा स्लिप रिंग का जो चार्ज है वो कम हुआ, एक स्लिप रिंग कम हुआ, तो हमारा इसलिए हम हमारा स्लिप रिंग इकोनॉमिकल की बात करें, यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत इकोनॉमिकल। ठीक है, समझ नहीं आते कमेंट कर दिया। फिर हम बात कर रहे हैं इफिशियंसी, फिर हम बात कर रहे हैं बेटर इफिशियंसी। ठीक है, हम बात करेंगे इफिशियंसी की, तो जब हमारा दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, इंप्रूव इफिशियंसी। ठीक है, इंप्रूव इफिशियंसी, इफिशियंसी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई इफिशियंसी, इफिशियंसी मोर इफिशियंसी इंप्रूव इफिशियंसी इसकी बढ़ गई, क्यों ऐसे बढ़ गई इसकी इफिशियंसी, ऐसे बढ़ गई भैया, अगर हमारे तीन स्लिप लिंग लगा तो हमार आई स्क्वायर लॉस ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू टू स्लिप रिंग, समझ यार। ठीक, अगर हमारे टू स्लिप दो स्लिप लगल मान लो कि हमारे दो स्लिप लगल हो, तो उमन का बल दो वायर उमन, अगर एक वायर से आई स्क्वायर लॉस होता, आई स्क्वायर आर लॉस होता, तो दूसरे के वायर से भी दूर है, तो दो वायर लॉस बल दो ठो, अगर तीन स्लिप लगे लगा, तीन स्लिप लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन थ्री आई आर स्क्वायर हो जाएगा, इन कंपेरिजन टू कम हुआ ना, कम हुआ तो इंप्रूव इफिशियंसी बढ़ गया, इफिशियंसी बढ़ गया, इसका समझा कि इफिशियंसी बढ़ गया, इसीलिए हम कह रहे हैं मोर इफिशियंसी मतलब इंप्रूव इफिशियंसी इसका इंप्रूव हो गया। ठीक, फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा है बेटर इंसुलेशन, थर्ड पॉइंट हमारा है बेटर इंसुलेशन। अभी हम जस्ट अभी 10-2 मिनट पहले बताए हैं कि हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग होता है, जो स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है वो हाई पावर की वाइंडिंग होती है ना, बोलिए बताया कि नहीं, बताया ना जी, हाँ बताया है। तो हमारे कहे का मतलब अगर हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग है हाई पावर की वाइंडिंग अगर स्टेटिक मोशन में है, अगर वो स्टेटिक मोशन में है तो जो उस पर इंसुलेशन, जो इंसुलेशन हम करेंगे, जो उस पर इंसुलेशन करेंगे इन कंपेरिजन, अगर हमारा घूमता हुआ रोटेशनल, अगर रोटेशनल वाइंडिंग अगर हमारा हाई पावर होता तो उसमें ज्यादा इंसुलेशन लगता है इन कंपेरिजन टू स्टेटिक वाइंडिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर ज्यादा है भैया, पावर ज्यादा हो तो इंसुलेशन चार्ज ज्यादा आई नहीं, मैं करंट ज्यादा रही इंसुलेशन ज्यादा रही। ठीक, तो हमारा बेटर इंसुलेशन, अगर हमारी स्थिर, अगर हमारा आर्मेचर स्थिर है तो उम्र हम बढ़िया था इंसुलेशन कर सकते, आपके हिसाब से इंसुलेशन करते, लेकिन अगर घूमत तो ज्यादा चार्ज हो जाता। ठीक, बेटर इंसुलेशन, फिर हम बात करेंगे बेटर इंसुलेशन, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा इसके अंदर फोर्थ पॉइंट होगा बेटर कूलर मतलब कूलेंट, इफिशियंट कूलेंट हमारा फोर्थ पॉइंट होगा इसमें, इफिशियंट नहीं इफेक्टिव नहीं, सॉरी गाइस, इफिशियंट कूलेंट, इफिशियंट कूलेंट, क्यों हम बात कर रहे हैं इफिशियंट कूलेंट, कहे का मतलब अगर हमारे हाई पावर वाइंडिंग अगर वो रोटेट कर, हमारा हाई पावर वाइंडिंग अगर होगा, जो हमारा हाई पावर वाइंडिंग अगर रोटेट करता तो उसको हम प्रॉपर मेथड से कूलेंट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती, थोड़ा कठिनाई होता मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता, अगर हमारा हाई पावर वाइंडिंग स्थिर स्टेटिक मोशन है तो उसको कूलेंट करना ज़्यादा सरल है इन कंपेरिजन टू रोटेशनल। ठीक, हमके उम्मीद है तो आप लोगों की बात हमारे समझ जाओ थे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आई होप आई अंडरस्टैंड यू, मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक बेटर इंसुलेशन, हाँ फोर्थ पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, इफिशियंट कूलेंट। ठीक, हम पहले यही बोल रहे हैं कि हम एकदम शुद्ध हिंदी में बताए, एकदम सरल भाषा बताए, यही बताए हम हिंदी बोलते हैं, नहीं तो अंग्रेजी बहुत कम। ठीक,
कुछ बच्चा लोग कमेंट किए रहे हैं ठीक। फिर हम बात करेंगे मोर आउटपुट, हमारा इसमें फोर्थ फिफ्थ पॉइंट होगा मोर आउटपुट। अगर हम मोर आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमारा हम किस बेस से मोर आउटपुट की बात कर रहे हैं आप लोग बताइए जरा। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कन्वीनियंट स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन ठीक है, कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन, कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कन्वीनियंट क्यों? जो हमारा हाई पावर वाइंडिंग है उसको स्टेटर में रखना हम लोग के लिए थोड़ा सरल है, इनका इन कंपेरिजन टू लो पावर वाइंडिंग ठीक है। लो पावर वाइंडिंग से अगर हम कंपेयर करें कि अगर हमारा स्टेटर पे जो वाइंडिंग हाई पावर की वाइंडिंग है उसको स्टेटर में रखना हम लोग के लिए आसान है। हम इस आसान क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसको समझिए मेरी बात को। जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है वो हाई पावर की वाइंडिंग है ठीक है, और हमारा रोटर पे जो है वो हमारा लो पावर वाइंडिंग है। अगर हम रोटर पे हाई पावर वाइंडिंग रख दें, तो उससे क्या होगा? उससे यह हो सकता है कि जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बने वो इस रोटर को घूमने ना दे, रोटेट करने ना दे, क्योंकि हाई पावर वाइंडिंग है ठीक है। अगर हम उसको स्टेटर पर रख दें तो उसको नहीं घूमने देगा तो कोई बात नहीं, कि हमारा वो जो स्टेटर पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सिंपल हो जाता है ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है ठीक। फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इसीलिए जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर हाई रेटिंग का नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है, और उसके पावर होता है वो हाई नहीं होता है ठीक है। यही कारण है उसका जो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग जो होता है स्टेटर रखते हैं, लेकिन यही इसी कारण वजह से उसकी जो रेटिंग है हाई रेटिंग नहीं होता ठीक है ठीक। फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ठीक। देखिए सिंक्रोनस स्पीड की बात कर रहे हैं हम, क्या सिंक्रोनस स्पीड ठीक। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ठीक। आप लोग को एक कन्वर्जन पता होगा इलेक्ट्रिकल एंगल में, इलेक्ट्रिकल एंगल टू मैकेनिकल एनर्जी एंगल का कन्वर्जन आप लोगों को पता होगा ठीक है। उसका फार्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा, मतलब इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। यह हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल ठीक है, और ये हमारा जो एंगल है यह मैकेनिकल एंगल वेयर पी, जो हमारा पी है वेयर पी पोल है, पोल नंबर ऑफ पोल, वेयर पी नंबर ऑफ पोल है ठीक है। ये अगर हम इसको देखिए अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेटिव इन रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहा है, हम दोनों साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहा है ठीक है। तो क्या होगा देखिए, थीटा डी बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई टू कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी और फाई है थीटा मैकेनिकल टाइम ठीक। अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा एंगुलर ओमेगा ई आएगा, और हमारा ये आएगा पी बाई टू ओमेगा एम, वेयर ओमेगा ई इसको देखिए वेयर
जो हमारा ओमेगा ई है। ओमेगा ई हमारा क्या है? एंगुलर, अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो हमारा एंगुलर, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमारा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम मैकेनिकल में बात करें, ओमेगा क्या है हमारा? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओमेगा ई, ओमेगा ई जो हमारा है इसका वैल्यू हो जाएगा 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का वैल्यू होता है ओमेगा का, ओमेगा का 2πf इक्वल टू पी बाई टू इज इक्वल टू पी बाई टू। अगर ओमेगा एम क्या है? एंगुलर स्पीड है। तो हम एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आरपीएम की बात करें तो क्या होता है बताइए भाई लोग, क्या होता है? नहीं पता, ठीक है देखिए क्या होता है। हाँ, 2πn/60 आरपीएम, आरपीएम की बात करें, ठीक है 2πn/60, ठीक। यहां से हमारा 2π कट जाएगा, यहां देखिए क्या आएगा, 2π कट गया, यहाँ पे ns n इक्वल टू 120, इधर टू ऊपर चला गया 120f/p। ये हमारा जो फार्मूला आया इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का ये स्पीड होता है, ठीक है। कोई अगर पूछ दिया, कोई एक क्वेश्चन जनरली कोई पूछ दिया, भाई इसको देख के क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या है? तो अगर आपका जवाब है सर एनएस जो हमारा है यह सिंक्रोनस मोटर का स्पीड है जिसपे हमारा मोटर रोटेट होता है, रोटर रोटेट होता है, एक जवाब बिल्कुल गलत है। इसका आंसर यह है सर, यह हमारा जो है एनएस जो है वह फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन है सर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जो हमारा यह हमारा कुछ नहीं है सर, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट किए वही है, ठीक है। हमारा जो एनएस है यह वह रोटर की स्पीड है, एनएस जो हमारा है इसी स्पीड से हमारा रोटर रोटेट होता है, ठीक है भाई लोग। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ विनय कुमार होता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर जहाँ नहीं समझ आए कमेंट कीजिए, थैंक यू गाइस, बाय।